Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Taste On Air. आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी काले चनों की चाट, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और टी टाइम स्नैक्स के तौर पर तो बहुत मज़े की लगती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो बगैर टाइम ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉट में आपने एक चौथाई कप तेल ऐड करना है और अब इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, 4 चाहिए आपको कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा, और अब इन सब चीज़ों को आपने 2 मिनट तक सौते करना है। अच्छे तरीके से आपने इसको सौते कर लिया और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याज चॉप्ड हुआ, और इसके बाद प्याज को भी आप इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, प्याज को जस्ट इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट पिंक कलर का आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टमाटर चॉप्ड हुए हुए, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। टमाटर को प्याज के साथ आपने इतना कुक करना है कि जो तेल है वो ऊपर आ जाए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया चाहिए 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर का पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून, और अब आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं बॉयल हुए हुए काले चने ऐड करूंगी। चने जो है वो मैंने सोक करके बॉयल कर लिए हैं और इसकी क्वांटिटी मैंने ली है 500 ग्राम्स, मतलब आधा किलो। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट तक कुक करेंगे। कवर करके इसको इसलिए कुक किया है ताकि चनों में मसालों का बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाए। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कि पानी सारा सा ड्राई हो जाए, और अब इसमें मैं 3 बॉयल हुए हुए आलू ऐड कर दूंगी। आलू को मैंने नमक ऐड करके बॉयल किया था ताकि इसमें भी फ्लेवर रहे। आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। अब इसमें 4 हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप्ड हुई भी ऐड कर देंगे और साथ में चॉप्ड हुआ हुआ हरा धनिया 1/4 कप, और इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो हर चीज़ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो हमारे ज़बरदस्त से काले चनों की चाट एकदम रेडी है। अब आप इसको अच्छे से डिश के अंदर सर्व करें। इसके ऊपर चॉप्ड हुआ हुआ फ्रेश कोरिएंडर मैंने सर्व किया है ताकि ये बहुत अच्छा लगे और गर्मा गर्म भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट ऑन है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और आप इसको घर पे बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड हुई हुई हरी मिर्चें 4 टेबलस्पून। हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 कप श्रेडेड चिकन,
चिकन को आप सॉल्ट और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करके बॉईल कर लें और उसके बाद श्रेड कर लें। वो ऐड कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा उसको हरे मिर्चों के साथ फ्राई कर लेंगे। अब ऐड कर दूंगी नमक 1 टीस्पून, काले मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून और अमचूर पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सभी स्पाइसेस का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चॉप्ड ग्रेवी शिमला मिर्च और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और बहुत मज़ेदार सा इसका एक फ्लेवर भी आ जाएगा। अब मैंने इसमें लाल वाली शिमला मिर्च यानी बेल पेपर 1/4 कप ऐड कर दिए, चॉप हुआ हुआ धनिया 1/4 कप और 1 कप बंद गोभी बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई। अब इसको अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, जस्ट मिक्स करेंगे और उसके बाद ज़बरदस्त सी ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। फिलिंग एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसके रोल्स बना लेते हैं। आपने रोल की जो मांडा पट्टी होती है उसके ऊपर इसको फिलिंग को रखना है और इसके बाद इसको आप दोनों साइड से फोल्ड करेंगे एंड रोल कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ मांडा पट्टी की भी रेसिपी शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। साइड आप इसके थोड़े से पानी या फिर एग वाइट के साथ लगा देंगे और इसके 10-12 रोल्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप इसको चाहें तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर 3 वीक्स के लिए इसको स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। और जब भी आप इसको खाना चाहें तो आप इसको फ्रीजर से निकालें और इसको डीप फ्राई करें एंड एंजॉय करें। अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसके बाद इसको दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक एक साइड से कलर ना आ जाए आप इसको टर्न ना करें। और इसके बाद मेरे ज़बरदस्त से चिकन स्प्रिंग रोल एकदम रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बने। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी ट्राई कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट ऑन है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू के समोसों की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। और आपको एग्जैक्टली वही वाले आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूँगी जो आप बाहर से खरीद के खाते हैं, लेकिन आप इसको घर पर बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे और एग्जैक्टली वही और उतने ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इसको थोड़ा सा सॉटे कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप हुआ लहसुन 1 टीस्पून और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। 1 से 2 मिनट सॉटे करने के बाद मैं 2 बड़े आलू बॉयल हुए हुए और मैश हुए हुए वो ऐड कर देंगे। 1/4 कप चाहिए आपको उबले हुए मटर, 4 हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप्ड हुई हुई, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने आलू के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो आलू है उसमें सारे स्पाइसेस का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए।
आप इसको इस तरीके से मिक्स्ड करेंगे कि जो मटर है वो थोड़े थोड़े से मैश भी हो जाए और आलू के साथ कंबाइन भी हो जाए। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और 4 से 5 मिनट तक आप इसको कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड हुआ हुआ हरा धनिया हाफ कप। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी और मेरी ज़बरदस्त सी आलू के समोसों की फिलिंग एकदम रेडी हो चुकी है। फिलिंग मेरी तैयार हो गई है। अब इसकी एक डो रेडी करेंगे जिससे हम बनाएंगे इसकी मांडा पट्टी। उसके लिए मैंने 2 कप सफ़ेद आटा ले लिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाहिए आपको अजवाइन और 2 टेबलस्पून तेल या फिर घी। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आपने इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसके क्रम्स बन जाए। क्रम्स बनने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती चली जाऊँगी और इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। अच्छी सी डो बनाने के बाद मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि ये जो डो है वो सेट हो जाए। 30 मिनट्स के बाद आपने डो को जो है वो डिवाइड करना है छोटे छोटे से पोर्शंस के अंदर। पांच से छह पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। अब मैंने इसको ड्राई सफ़ेद आटे में कोट करना है और इसकी गोल सी रोटी बनानी है। आप इसको बिल्कुल नॉर्मल सी रोटी बनाएंगे, मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सी पतली सी। अच्छी सी रोटी बनाने के बाद मैं इसको सेंटर से काट दूंगी और इसका जो एक होगा पार्ट उससे हम इसका समोसा बनाना बताते हैं। सबसे पहले आपने इसकी साइड के ऊपर पानी लगाना है और इसको एक कोन की शेप देनी है। कोन की शेप देने के बाद इसका आपने कोन बनाने के बाद आपने जो फिलिंग रेडी करी है वो आपने इसके अंदर पुट करनी है। 1 से 2 टेबलस्पून फिलिंग आप इसमें पुट करेंगे और इसके बाद इसके कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अब इसे आपस में कंबाइन कर देंगे और अच्छे तरीके से स्टिक कर लेंगे। अब मैं इसे कर लूँगी सीधा तो मेरा ज़बरदस्त सा समोसा एकदम तैयार हो चुका है। अब आपने इसी तरीके से सारे समोसे प्रिपेयर करने हैं और इसके बाद इसको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको एक साइड से फ्राई होने पर टर्न कर देंगे और इसके बाद हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत क्विकली ये रेडी हो जाते हैं और इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सफाई से बनते हैं। बाहर के समोसों का हमें नहीं पता होता कि उन्होंने किस गंदगी से बनाए, लेकिन आप होममेड बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफाई से बनेंगे और फ्लेवर भी उसका बेहतरीन होगा। समोसे मेरे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। अब मैं इसे केचप या फिर चटनी के साथ सर्व करूँगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टेस्ट ऑन है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी प्याज के पकौड़ों की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही क्विकली आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस हुए हुए ऐड कर दिए। अब इसमें ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून चॉप्ड हुई हुई हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून,
नमक 1 टीस्पून, खाने का सोडा चाहिए आपको 1/4 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया चाहिए 1 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा चाहिए 1 टीस्पून। और अब इसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से आप सारे इंग्रेडिएंट्स को प्याज के साथ मिक्स कर लें ताकि सभी चीज़ों का प्याज में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं ऐड कर दूंगी बेसन 1 कप और इसे अच्छे से मज़ीद मिक्स कर लेंगे। पहले आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। आप इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर दें या फिर आप उसको देख लें कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। अच्छा सा थिक सा आपने इसका एक मिक्सचर रेडी करना है। मिक्सचर मेरा एकदम तैयार हो चुका है। अब बना लेते हैं इसके पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया और अब मैं इसमें हाथ की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से पकोड़ों को इस तरीके से डालती जाऊंगी। पकोड़े मैं बनाऊंगी हाई फ्लेम के ऊपर और इसके बाद आप इसको फ्राई कर लेंगे। आप इसको छोटे छोटे से साइज के बनाएंगे और अगर आप चाहें तो इसको बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे से ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। एक साइड से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसको टर्न कर दें और दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन से फ्राई कर लें। तो मेरे क्रिस्पी से ज़बरदस्त से प्याज के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे एक अच्छी सी प्लेट के अंदर सर्व कर दूंगी। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, इमली की चटनी के साथ सर्व करें या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और यूनिक बने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट ऑन है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है, सबकी फेवरेट होती है। और इसके अलावा आप इसको रमज़ान के अंदर ज़रूर बनाएँ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डिश के अंदर 1 खरबूजा डाइस में कट हुआ हुआ, 1 सेब डाइस में कट हुई हुई, 4 बनाना स्लाइस हुए हुए, 1 अमरूद चॉप्ड हुआ हुआ, 2 आड़ू चॉप्ड हुए हुए और 2 मैंने लिए हैं इसमें चीकू, साथ में 5 से 6 खजूरें मैंने चॉप्ड करके वो ऐड कर दिए हैं। और अब इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हैं आप इसके अंदर ऐड कर दें और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा फ्रूट कितना अच्छा लगता है, तो आप वो फ्रूट उतनी ही क्वान्टिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। मिक्सिंग के बाद मैं ऐड कर दूंगी चाट मसाला 1 टीस्पून और काले मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप इसको अच्छे तरीके से मज़ीद मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि काले मिर्चें और चाट मसाला सारे फ्रूट्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसकी ड्रेसिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप क्रीम, 1 कप फ्रेश क्रीम ले लिए मैंने, 1/4 कप चाहिए आपको मायोनीज, कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून और इसके बाद सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी मैं फ्रूट चाट के अंदर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, मैंने इसमें खजूर ऐड की हैं वो भी मीठी होती हैं और फ्रेश क्रीम जो मैंने यूज़ करी है वो मीठी वाली ही करी है। अब इस ड्रेसिंग को सारे फ्रूट्स के अंदर अच्छे तरीके से ऐड करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि जितने भी ड्रेसिंग है ये सारे फ्रूट्स के अंदर अच्छे तरीके से कोट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए
और फ्रूट्स के ऊपर एक क्रीमी सा फ्लेवर आ जाए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग के बाद मैं ऐड कर दूंगी चॉप बादाम 2 टेबलस्पून, ब्राउन चॉकलेट चिप 4 टेबलस्पून और वाइट चॉकलेट चिप 4 टेबलस्पून। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए और इसके बाद इसको मैं अच्छे से बाउल के अंदर सर्व कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।